टोकरी है थाली, मेरे पास एक कॉफ़ी है और इसमें मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। सर इसमें नंबर जो लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 तक, एक से लेके 16 तक मैंने कुछ पॉइंट इसमें दिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ये आपके पास में, ये लिफाफा भी आपके पास में है और मेरे पॉकेट में एक ये प्लेन कागज का छोटा सा टुकड़ा है, ये बिल्कुल खाली है। इस टुकड़े में आप चेक करेंगे कुछ है तो नहीं, लिखा तो नहीं है पहले से मैंने। सर आप भी चेक कर लेंगे? नहीं। आपका मैं माइंड रीड करना चाहता हूँ। ये पॉइंट इसमें एक से लेकर 16 तक लिखे हुए हैं। फाइनल जो आने वाला है और जो मैजिक होने वाला है उसका आंसर मैं पहले से इसमें लिखूंगा और वही होगा जो मैं लिखा हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। और वो सोचेंगे आप और करूँगा मैं। कैसे होगा ये, ये देखिए मेरे इस खाली कागज के द्वारा माइंड रीडिंग मैजिक कैसे होता है माइंड रीडिंग। अच्छा, लिफाफे में तो पहले से कुछ नहीं रखा पक्का, और ये पॉइंट में अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी आपके हाथ आप मुझे दे दीजिए 2 मिनट के लिए। बैक साइड में लेकर के इसी कागज में मैं लिख ले रहा हूँ फाइनल आंसर जो आपने सोच रखा है और जो आने वाला है। ना पेन चेंज होगा, ना कॉपी, ना लिफाफा, ना कागज, देखते हैं। इधर देखेंगे सर मेरी तरफ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं आप, लेकिन सोचने में आगे पीछे चेंज कर रहे हैं बार बार। आप कितना भी चेंज करें लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया है, फाइनली वही आएगा जो हमारा इसमें होने वाला है। मैंने फाइनल आंसर इसमें लिख दिया, इसको कोट किया एक बार, दो बार और ये 3 बार, छोटा सा करके और कोट कर दिया। ठीक है ना, अब आप लिफाफे को खोल दीजिए, इसके अंदर मैं इसे बंद कर दिया, बंद कर दिया, एक ही सिर्फ इसके अंदर मैं पर्ची गई है जो फाइनल आंसर की है। और इस लिफाफे को सर प्लीज आप बहुत हिफाजत से संभालिए, ऐसे मैं चेंज ना कर पाऊँ इसे। ठीक है, अब क्या होने वाला है ये देखेंगे आप सभी लोग। ये नंबर मैंने पहले आपको दिखाए थे, चेंज तो नहीं किए, 1 से 16 तक। आपको जो भी नंबर, जो भी आप चाहें वो एक नंबर इसमें से बता दें, एक नंबर जो भी आप चाहें, मेरे हिसाब से नहीं, आप अपने हिसाब से बताइए जो आपको बेस्ट लगता है। कोई भी, कौन सा है? सॉरी, 9। सर ने कहा इसके अंदर में 9 नंबर है जो आपने अभी अभी चॉइस किया, नंबर 9। नंबर 9 को हम राउंड सर्कल मार देते हैं ऐसे, मतलब इसको बंद कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट आपका सोचा हुआ, नंबर 9 ये पूरी तरीके से कट गया। अब आपको ये करना है, ये जो मैंने यहाँ पे कट बनाया, यहाँ पे भी कट बनाया, इन्हें नहीं सोचना है दोबारा। ठीक है, जो बाकी के अंक हैं उनमें से एक और कोई भी बताना है, जो भी ना, जो भी आपको लगे मेरे हिसाब से, सॉरी 3 चेंज करना चाहेंगे, सोच लीजिए पक्का चेंज तो नहीं करना। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं आप ऐसा ना हो सब लोग बाद में कहें कि मेरे हिसाब से मैंने करवा लिया, मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलने वाला है, सब आपको 3 आपने बोला सर, 3 भी मैंने राउंड सर्कल मार दिया, दो में मारा, 9 में 3 में 8 का, इसे कट कर दिया मैंने इस तरीके से और ये भी गया। लास्ट ये करना है, जो कट है इनको फिर से नहीं सोचना, जो बचे हुए पॉइंट 8, 16, 14 इनमें से कोई एक बताना है लास्ट, जो भी आपको लगे। एक फाइनल, अच्छा अब इसके अंदर में आपने एक बताया लास्ट, इसे भी हम कट कर देते हैं।
आपके पास सेल फोन है, मेरा बताया हुआ शायद समझ में आए ना आए, लेकिन सेल फोन का क्लियर समझ में आया। सेल फोन सर, सबसे पहले आपने बोला था माइंड प्लस कीजिए कैलकुलेटर, नंबर 9 सबसे पहले आपने ही बोला था राइट। इसके बाद नंबर 3 प्लस कीजिए छोड़िए, नंबर 8 और लास्ट कट करने के बाद नंबर 14 एक और बार जोड़ लीजिए, क्षमता क्या आया फाइनल अच्छा। लिफाफे में आपने हाथ डाल दिया है, निकाले नहीं है, अब निकालिए आपकी बारी है सर, उसे आप मिटाइएगा नहीं। बोलिए क्या लिखा है सर? 34 आई एम राइट। ये है माइंड रीडिंग मैजिक, थैंक यू।